हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3.2 एक्सरसाइज के रेकरेंस रिलेशन कर रहे हैं. रिकरेंस रिलेशन ठीक है. रिकरेंस रिलेशन में क्या क्या है आपके पास? सबसे पहला जो है वो है n प्लस वन इंटू फर्स्ट है पी एन प्लस वन एक्स प्लस एन पी एन माइनस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन एक्स पी एन इंटू एक्स. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. ओके, अब हम ये पिछले उससे करेंगे. फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमने प्रूव किया था जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पी एन, वी नो दैट वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वेयर की पावर माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू समीशन एन जीरो से इनफिनिटी टी की पावर एन पी एन एक्स. ये प्रूव किया था भाई. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी करो भाई. पावर आगे आ जाएगी वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वेयर, इसकी पावर आ जाएगी माइनस थ्री बाय टू और इसका हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू टी. ओके, इधर भी करो समीशन एन जीरो से इन्फिनिटी एन टी की पावर एन माइनस वन पी एन एक्स. ठीक है, ये हो गया. ओके, उसके बाद हम करते हैं इसको थोड़ा सा माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस टी, टू कॉमन निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वेयर की पावर माइनस थ्री बाय टू इज इक्वल टू समीशन एन जीरो से उसके ठीक टी एन माइनस वन पी एन एक्स एन. ठीक है, ये आ गया आपके पास. बोथ साइड मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वेयर. ठीक है, ये आ जाएगा एक्स माइनस टी वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वेयर की पावर माइनस वन बाय टू हो जाएगा. ठीक है, समीशन एन जीरो से इन्फिनिटी एन टी की पावर एन माइनस वन पी एन एक्स वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वेयर. ठीक है, दोनों साइड हमने ये मल्टीप्लाई किया. उसके बाद इसको मैं बाहर भी निकाल सकती हूँ क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन है. ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एक्स माइनस टी. इसकी क्या वैल्यू होती है? रेकरेंस रिलेशन से समीशन एन जीरो से इन्फिनिटी टी की पावर एन पी एन एक्स, यही थी. ओके, इसको मैंने बाहर निकाला, समीशन एन जीरो से इन्फिनिटी एन टी की पावर एन माइनस वन पी एन एक्स. ओके बच्चों, ठीक है भाई. उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं समीशन को ताकि इजिली हमें समझ में आ जाए. जीरो रखा तो क्या आ जाएगा पी नोट एक्स, अब एन को वन रखा तो टी पी वन एक्स टी स्क्वेयर पी टू एक्स अप टू सोन. ठीक है, इज इक्वल टू वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वेयर. इसको भी खोल दो भाई. एन को जीरो रखा तो फर्स्ट टर्म खत्म हो गई हमारे पास. उसके बाद पी वन एक्स, एन को वन रखेंगे तो प्लस टू टी पी टू एक्स प्लस अप टू एन माइनस. अब देखो करते जाओ, एन को मैंने एन माइनस वन रखा तो टी की पावर एन माइनस टू हो जाएगा और पी एन माइनस वन इंटू एक्स. फिर मैंने एन को एन रखा तो ये टर्म मिलेगी हमें. ठीक है, ये इसलिए रख रही हूं क्योंकि मुझे कंपेयरिंग करना है कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर एन. ये तो आपको मतलब लिखना ही पड़ेगा पी एन प्लस वन अप टू सोन. ठीक है, ये कर दिया अभी मैंने दोनों साइड. अब इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ टी की पावर एन ऑन बोथ साइड करो भाई. एक्स टी की पावर एन तो इसी तरह से मिलेगा ना मुझे जैसे टी की पावर टू, तो हो गया मेरे पास पी एन एक्स. एक तो ये हो गया. अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि टी की पावर एन आएगा? टी की पावर एन माइनस वन, तो उसके साथ मुझे क्या मिलेगा सिमिलरली जैसे पी एन माइनस वन, तो माइनस पी एन माइनस वन एक्स इज इक्वल टू. अब वन की किससे मल्टीप्लाई होगी? टी की पावर एन वाले टर्म से ही होगी. सॉरी, यहां पे आएगा टी की पावर एन. टी की पावर एक मिनट रुको, एन माइनस वन ही आएगा. हाँ ये रहा ना. ठीक है, तो ये हो गया एन प्लस वन
पी एन एक्स। ओके, इसकी किससे मल्टीप्लाई होगी कि मेरे पास पी एन आई सॉरी टी की पावर एन आएगा, इस वाले टर्म से। ठीक है, एड करोगे तो ये हो गया माइनस टू एक्स एन और पी एन एक्स। ठीक है, इसकी किससे होगी, एन माइनस टू से, जाहिर सी बात है, प्लस एन माइनस वन इंटू पी एन माइनस वन इंटू एक्स। ये आ गया आपके पास। ठीक है, इनको रीअरेंज कर दो, एक्स पी एन एक्स माइनस, या फिर इसको ये रखा एन प्लस वन, एन प्लस वन पी एन एक्स, और उसके बाद एन प्लस वन, एक मिनट भाई गड़बड़ हो गई, सॉरी यहाँ पे पी एन प्लस वन था, एन प्लस वन पी एन प्लस वन माइनस, ये इधर आएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा टू एन प्लस वन। ओके, पहले इसको इस टर्म को लिख देती हूँ मैं, एन पी एन माइनस वन कहाँ है भाई। ओके, ये रहा एन, इधर आके क्या हो जाएगा ये, मतलब इसी साइड है ये आपका, तो पॉजिटिव इस साइड। ठीक है, ये टर्म आपकी उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी, ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या है हमारे पास, कुछ नहीं, इसी इक्वेशन को, रेकरेंस रिलेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी और विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों को अपॉन डिवाइड करना है और कोफिशियंट कंपेयर करना है टी की पावर एन। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एन पी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स पी एन डैश एक्स माइनस पी एन पी डैश एन माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है, फिर थर्ड के अंदर किसी को ऐड किसी को सब्ट्रैक्ट, जैसे फर्स्ट का यूज करना है उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ये आपको रीअरेंजमेंट करनी है, तो ये आपको पांचों पार्ट्स करने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का हमारे पास, क्या है कि आपको शो करना है कि पी एन जो होता है वो ऑलवेज आपका क्या होता है, पी एन प्लस वन से लेस होता है। ठीक है, तो ये चीज तो हम जब भी प्रूव करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यूज कर रही हूं, आपको पता होगा कि रोडरीज फॉर्मूले से जो पी एन एक्स होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है फॉर ईच वैल्यू ऑफ एन फॉर एक्स ग्रेटर देन वन, और ऑलवेज आपके पास इसमें दे रखा है कि एक्स आपका क्या है, ग्रेटर देन वन है। ठीक है, उसके बाद तो यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास एक्स ग्रेटर देन वन है मीन्स वन लेस देन एक्स। अब वन की वैल्यू क्या होती है, पी नोट एक्स होती है, और एक्स की वैल्यू क्या होती है, पी वन। तो जीरो के लिए तो प्रूव हो गया, हमें क्या प्रूव करना था, ये पी एन एक्स लेस देन पी एन प्लस वन, ये प्रूव करना था, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे, एन इज इक्वल टू जीरो के लिए मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसके लिए मान लेते हैं रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन माइनस वन, यानी कि पी एन माइनस वन एक्स लेस देन पी एन एक्स, ये मैंने लेट किया। ओके, उसके बाद क्या कर लेते हैं इसको, पी एन माइनस वन एक्स अपोन में पी एन एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन वन, आगे इसका यूज करेंगे। ठीक है, रेकरेंस रिलेशन यूज करते हैं। देखो भाई, रेकरेंस रिलेशन आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज करने पड़ेंगे। मैंने ये वाला यूज किया एक्स पी एन एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, इज इक्वल टू होता है एन प्लस वन पी एन प्लस वन, ये पांचों रेकरेंस रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, उसके बाद टिप्स पे आपको याद भी होने चाहिए। ठीक है, इसको मैंने एन प्लस वन से बोथ साइड डिवाइड किया, तो ये आपका आ गया टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन एक्स पी एन एक्स, ये हो गया पी एन प्लस वन एक्स, और ये हो गया एन बाई एन प्लस वन पी एन माइनस वन। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद मैं यहां से क्या निकाल रही हूं, ओके पी एन से पी एन एक्स से और डिवाइड कर दो आप। ठीक है, तो हो जाएगा टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन एक्स पी एन प्लस वन एक्स बाई पी एन एक्स प्लस एन बाई एन प्लस वन पी एन माइनस वन एक्स अपॉन पी एन एक्स, दोनों को एक साथ भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या आ जाएगा भाई, तो मैंने इस टर्म को इधर रखा पी एन प्लस वन एक्स बाई पी एन एक्स,
इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू एक्स बाई एन प्लस वन माइनस एन बाई एन प्लस वन पी एन माइनस वन बाई एक्स बाई पी एन एक्स. ठीक है, अब देखिए पी एन माइनस वन बाई पी एन मेरे पास लेस देन वन है. ठीक है, अगर इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी भाई, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एन प्लस एन पी एन माइनस वन बाई एक्स बाई पी एन एक्स, तो ये लेस हो जाएगा एन बाई, क्योंकि ऑलवेज ऑलरेडी आपका लेस देन वन था दोनों साइड, अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा. ठीक है भाई, उसके बाद दूसरा जो है आपका लिंक वो क्या है, एक्स का यूज करते हैं. एक्स आपका ग्रेटर देन वन था, तो अगर मैं एक्स को दोनों साइड टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चीज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी भाई, ये इससे ग्रेटर हो गया. ठीक है, तो करो अब इसके बाद, क्या हो जाएगा भाई, देखिए मेरा ये रिलेशन है मतलब पी एन प्लस वन, तो पी एन प्लस वन एक्स बाई पी एन एक्स क्या हो गया भाई, ग्रेटर हो गया, ये चीज भी ग्रेटर है, ग्रेटर हो गया टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, और ये माइनस ये चीज किससे ग्रेटर है आपकी, माइनस एन बाई एन प्लस वन. ठीक है, अब एन प्लस वन एलसीएम ले लो तो ये हो गया टू एन प्लस वन माइनस एन, ये हो गया एन प्लस वन बाई एन प्लस वन कैंसिल, पी एन प्लस वन एक्स ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका होल्ड करेगा फॉर ऑल एन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, उसमें रेकरेंस रिलेशन यूज करना है एन प्लस वन पी एन डैश एक्स, क्योंकि पी एन डैश एक्स को ये शो करना है इसमें एन माइनस वन की भी टर्म होनी जरूरी है, तो हमने इसका यूज किया एन प्लस वन पी एन एक्स इज इक्वल टू पी एन प्लस वन डैश एक्स माइनस एक्स पी एन डैश एक्स, ये इसका सेकेंड या थर्ड पार्ट है. इसमें मैंने एन को चेंज किया एन माइनस वन से, तो ये हो गया. ठीक है, यही आपको ट्रांसपोजिशन ले लो, इसकी वैल्यू प्रूव करनी थी तो इसको आगे ले आओ, इसको उधर ले जाओ. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट में भी ऐसा ही करना है आपको, सेकंड पार्ट में हिंट दे देती हूं मैं, सेकंड पार्ट में जो रेफरेंस रिलेशन यूज करना है वो ये वाला करना है, यहां पे लिख देती हूं चेंजिंग एन टू एन माइनस वन. सेकेंड पार्ट के अंदर क्या करना है, ये वाला रिलेशन यूज करना है, ये आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बदलते रहेंगे. ठीक है, ठीक है, ये आपको रेफरेंस रिलेशन है. उसके बाद दूसरा मैंने लिखा एन प्लस वन पी एन एक्स इज इक्वल टू, ये सब कुछ आपके आंसर पे डिपेंड करता है कि आपको प्रूव क्या करना है उसके बिहाव पे. ठीक है, ओके, उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू. अब देखिए आपके पास है क्या, पी एन एक्स है, तो पी एन एक्स अब अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव बचेगा, फिर माइनस कॉमन निकाले, इससे अच्छा है कि इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें जो रेकरेंस रिलेशन यूज करना है वो सिंपल वाला ही करना है, टू एन प्लस वन पी एन एक्स इज इक्वल टू ठीक है ये वाला, इसमें एन को क्या पुट करना है वन टू थ्री अप टू एन. ठीक है, और सबको फिर ऐड कर देना है, एडिंग बोथ, तो आपके पास ये आ जाएगा. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फोर्थ में क्या करना है आपको, शो कि पी एन एक्स लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है पी एन अल्फा, तो शो करना है पी एन माइनस अल्फा और पी एन प्लस वन इंटू अल्फा अपोजिट साइन के होंगे, बिल्कुल सही है. तो रेकरेंस रिलेशन मैंने लिखा टू एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू पी एन एक्स इज इक्वल टू एन प्लस वन पी एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस एन पी एन माइनस वन इंटू एक्स. ठीक है, एक्स को मैंने अल्फा टेक किया,
बिल्कुल अल्फा, ठीक है, और एक्स को अल्फा किया तो पी अल्फा, सॉरी पी एन अल्फा इज इक्वल टू एन प्लस वन पी एन प्लस वन अल्फा प्लस एन पी एन माइनस वन अल्फा, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब यहां से मैं क्या बता सकती हूँ आप लोगों को कि ये चीज तो क्या है, रूट दे रखा है तो जीरो हो गई, तो आ गया एन प्लस वन पी एन प्लस वन अल्फा बाय इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन पी एन माइनस वन अल्फा, तो ये आ गया पी एन प्लस वन इंटू अल्फा बाई पी एन माइनस वन इंटू अल्फा इज इक्वल टू एन बाई एन प्लस वन और विद नेगेशन। एन तो क्या है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो राइट हैंड साइड क्या होगी हमारे पास नेगेटिव होगी, तो दोनों क्या होगी अपोजिट साइन के, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, पढ़िए एक बार स्टेटमेंट फिफ्थ क्वेश्चन के क्या है कि आपको फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है पी एन एक्स, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको हम, रेफरेंस रिलेशन फिर दोबारा से लिख रही हूं मैं, टू एन प्लस वन इंटू पी एन एक्स इज इक्वल टू पी एन प्लस वन डैश एक्स माइनस पी एन माइनस वन डैश एक्स, ठीक है। यहां से पी एन एक्स क्या आ जाएगा, वन बाई टू एन प्लस वन पी एन प्लस वन डैश एक्स पी एन माइनस वन डैश एक्स, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ब्रैकेट से बंद कर दो। ओके इंटीग्रेटिंग कर दो दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन पी एन एक्स डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वन बाई टू एन प्लस वन पी एन प्लस वन माइनस पी एन माइनस, इंटीग्रेशन करने के बाद पता है आपको डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था जो आपको रिजल्ट में प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट में क्या करना है कि हमें प्रूव करना है वो देख लो एक बार, क्या है कि x से 1 तो कुछ नहीं करना, इसी टर्म को, ये वाली इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम द लिमिट x टू 1, जो भी आपके पास वैल्यू हो वो पुट कर देना, ठीक है। पी एन प्लस वन इंटू वन पी एन माइनस वन इंटू वन ये सारी आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है लीजेंड्रे पॉलीनोमियल होती है, जब x को 1 टेक करते हैं तो ये ऑलवेज हमें 1 वैल्यू देती है, ठीक है। तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास पिक सेंड कर सकते हो। थैंक यू।